नमस्कार दोस्तों, देश दुनिया और आपके राज्य और आपके जिले की सबसे बड़ी खबर आज के मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज। जी हां दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को ध्यान से देखेगा। जी हां, बहुत अहम जानकारी आपको आज मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने घटाई GPF पर ब्याज दर, सरकारी कर्मचारियों को होगा इतना नुकसान। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-21 के दौरान सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं के लिए कुल जमा रकमों पर दिए जाने वाले ब्याज की दर 1 जुलाई 2020 से 30 सितंबर 2020 7.1% करने का फैसला किया है। भूमि पूजन पर सपा सांसद बोले, अयोध्या में मस्जिद थी, है और रहेगी, मुसलमान खौफ न खाएं। जी हां दोस्तों, यूपी के संभल से सांसद सफीरकुल रहमान कहते हैं कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद है, थी और रहेगी। बीजेपी सरकार ने ताकत के बल पर कोर्ट से फैसला कराया, मुसलमान अल्लाह के भरोसे हैं, वो पीएम मोदी और सीएम योगी के भरोसे नहीं हैं। जी हां, ऐसा उन्होंने कहा। आज से शुरू होगी देश की पहली किसान रेल, जानिए किन राज्यों को मिलेगा फायदा। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है, इस साल के यूनियन बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के लिए खास किसान रेल चलाने की घोषणा की थी। दरअसल किसान रेल एक तरह की स्पेशल पार्सल ट्रेन होगी, जिसमें अनाज, फल और सब्जियों को लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। जी हां, कुल मिलाकर इस पहले रूट में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों को फायदा मिलने वाला है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले में लगातार बढ़ोतरी होने के कारण यहाँ प्रशासन द्वारा अधिक संक्रमित जिलों के आधार पर समय समय पर लॉकडाउन लगाया जा रहा है। वहीं प्रदेश सरकार ने सूबे में हर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन घोषित किया था, हालांकि अब सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए सप्ताह में सिर्फ एक दिन रविवार को लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। साथ ही बाजारों के बंद किए जाने वाले समय में भी बदलाव किया गया है। अब तक प्रदेश भर में बाजारों के बंद किए जाने का समय रात 8 बजे तक था, जिसे बदलते हुए सरकार ने रात 10 बजे तक दुकानें खोले जाने की अनुमति दे दी है। भारतीय रेलवे शुरू कर रहा है मिशन 160, सिर्फ आधे दिन में पहुंच जाएंगे दिल्ली से मुंबई। आधे दिन में दिल्ली से मुंबई पहुंचना शायद ख्वाब ही लगता है, लेकिन ये सपना अब सच होने वाला है। भारतीय रेलवे ने ये रिकॉर्ड भी कायम करने का फैसला कर लिया है। अब मात्र आधे दिन यानी 12 घंटे में आप दिल्ली से मुंबई पहुंच जाएंगे, यानी सुबह नाश्ता दिल्ली में और डिनर मुंबई में होगा। जी हां, बड़ी खबर है, मिशन 160 पर काम शुरू हो गया है। मौका है, बना सकते हैं आसियाना। बालू और मोरंग की कीमतें तेजी से गिरी। जी हां दोस्तों, आपको बता देते हैं मोरंग और बालू की कीमत क्या है। तो दोस्तों, मोरंग का ट्रक, जी हां दोस्तों, पहले 90,000 में मिलता था, अब एक ट्रक आपको 70,000 रुपए में मिल जाएगा मोरंग का। और बालू का ट्रक पहले 30,000 में मिलता था, अब आपको 22,000 से 25,000 में मिल जाएगा। जी हां, अगर आप लोग घर बनाना चाहते हैं तो आपका सपना पूरा होने वाला है, बहुत सारी छूट मिलने वाली है, फटाफट आप मोरंग और बालू खरीद सकते हैं। प्याज से फैल रहा है सेल्मोनेला बैक्टीरिया का संक्रमण, CDC ने बताया लक्षण, जारी किया अलर्ट। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है, कोरोना वायरस से फैली महामारी से अभी दुनिया जूझ ही रही है कि एक और संक्रमण ने स्वास्थ्य एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। यह संक्रमण सेल्मोनेला नामक बैक्टीरिया से फैल रहा है। यूपी में अब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर चुकानी पड़ेगी भारी कीमत, देखें नए जुर्माने की रेड लिस्ट। जी हां दोस्तों, क्या क्या आपको जुर्माना देना पड़ेगा हम आपको बता देते हैं। बगैर हेलमेट अगर आप लोग घर से बाहर निकलते हैं तो 1,000 रुपये देना पड़ेगा। बगैर सीट बेल्ट 1,000 रुपये। बगैर बीमा 1,000 रुपये। ड्राइविंग के साथ मोबाइल पर बात 1,000 रुपये। गलत नंबर प्लेट, जी हां दोस्तों, 5,000 रुपये। बिना ड्राइविंग लाइसेंस 5,000 रुपये। तेज रफ्तार में वाहन चलाना 1,000 रुपये। बिना गाड़ी कागजात आपको 5,000 रुपये देना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, ये नई लिस्ट जारी हुई है, ये भुगतान आपको करना पड़ जाएगा। ट्रैफिक नियम में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा। RBI क्रेडिट पॉलिसी, जी हां, सोना और ज्वेलरी पर 90% तक मिलेगा कर्ज, RBI का बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, RBI ने आज की क्रेडिट पॉलिसी में सोना और ज्वेलरी पर कर्ज की वैल्यू को बढ़ाने का ऐलान किया है। आम लोग अब सोना ज्वेलरी पर 90% तक कर्ज ले सकेंगे। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास, जी हां, ने कहा कि परिवारों पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए
उन्हें अब सोने के एवरेज में मूल्य का 90% तक कर्ज दिया जाएगा, जो 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगा। बिना इंटरनेट के भी कर पाएंगे डिजिटल पेमेंट, आरबीआई जल्द शुरू करेगा पायलट प्रोजेक्ट। जी हां दोस्तों, रिजर्व बैंक ने बृहस्पतिवार को पायलट आधार पर ऑफलाइन यानी बिना इंटरनेट के कार्ड और मोबाइल के जरिए खुदरा भुगतान योजना की घोषणा की। इस पहल का मकसद उन जगहों पर भी डिजिटल लेन देन के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित करना है जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी कम है। ऑफलाइन खुदरा भुगतान योजना विकासात्मक और नियामकीय नीतियों पर बयान में कहा कि केंद्रीय बैंक इकाइयों को ऑफलाइन पेमेंट करने की सुविधा को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता रहा है, इसलिए पायलट योजना के तहत उपभोक्ताओं के हितों, देनदारी सुरक्षा आदि का ध्यान रखते हुए ऑफलाइन माध्यम से अंतर्निहित सुविधाओं के साथ छोटी राशि के भुगतान की अनुमति देने का प्रस्ताव है। जी हाँ, अब बिना इंटरनेट के भी आप भुगतान कर पाएंगे, जी हाँ पेमेंट कर पाएंगे। भ्रष्ट और सुस्त अफसरों को जबरन रिटायर करेगी केंद्र सरकार, तैयार हो रही लंबी सूची। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर है। केंद्र सरकार अपने मंत्रालयों और विभागों में लंबे समय से बैठे भ्रष्ट और सुस्त अफसरों की सेवा पर कैंची चलाने के लिए लंबी सूची तैयार कर रही है। 50 साल की आयु का पड़ाव पार कर चुके इन अफसरों को FR-56J रूल्स 48 ऑफ CCS रूल्स 1972 नियम के तहत जबरन रिटायरमेंट दी जाएगी। शख्स ने ट्रैक्टर की मदद से निकाला भैंस का दूध, आनंद महिंद्रा ने की तारीफ। जी हां दोस्तों, आपके सामने वीडियो देख सकते हैं, काफी वीडियो वायरल हो रही है। ट्रैक्टर की मदद से इस शख्स ने भैंस का दूध निकाला है। जी हां, टेक्नोलॉजी का कितना अच्छा इस्तेमाल कर रहा है ये आदमी, इससे हमें समझ लेना चाहिए। जी हां, आप देख सकते हैं आपके सामने वीडियो है। दावा, पीएम केयर फंड ने लगाई देश भर के एनजीओ को चपत, अकेले जुटा लिए CSR फंड के 10 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है। सरकार ने दिया तोहफा, जीवन भर फ्री में देख सकेंगे 104 चैनल, सिर्फ लगाना होगा ये सेटअप बॉक्स। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है। बता दें कि आसाम के लिए शुरू किया गया चैनल DD आसाम, DD फ्री डिश के जरिए भी देखा जा सकेगा। आप एक बार सेटअप बॉक्स लगाने के बाद जीवन भर फ्री चैनल देख सकते हैं। DD फ्री डिश में आपको 104 चैनल देखने को मिलेंगे, जिनमें मनोरंजन, संगीत, धर्म, न्यूज आदि शामिल हैं, और इनके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। जी हां, बड़ी खबर है आप लोगों के लिए। भारतीय कंपनी जायडस कैडिला का दावा, जायकोडी वैक्सीन का पहला ट्रायल कामयाब रहा, अगला ट्रायल भी शुरू हुआ। कंपनी के चेयरमैन पंकज आर पटेल के मुताबिक सेकेंड फेज का ट्रायल ज्यादा लोगों पर किया जाएगा। भारत बायोटेक के बाद जायडस कैडिला दूसरी स्वदेशी कंपनी जिसे अगले फेज का ह्यूमन ट्रायल करने की मंजूरी मिली। जी हां, RBI ने बदला चेक से पैसों के लेन देन का सिस्टम, अब लागू होंगे नए नियम। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाई वैल्यू चेक क्लियरिंग के नियमों में बदलाव किया है। चेक भुगतान में ग्राहक सुरक्षा बढ़ाने और चेक लीफ से छेड़छाड़ के कारण होने वाली धोखाधड़ी की घटनाओं को कम करने के लिए RBI ने नया सिस्टम पेश किया है। RBI ने 50,000 रुपये या उससे अधिक के सभी चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम शुरू करने का फैसला किया है। यह सिस्टम देश में जारी किए गए कुल चेक की वैल्यूम और वैल्यू के आधार पर क्रमशः लगभग 20% और 80% पर कवर करेगा। RBI ने कहा कि इस उद्देश्य के लिए परिचालन संबंधित दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। अयोध्या में भूमि पूजन के एक दिन बाद मुस्लिम नेता मोहम्मद साजिद राशिदी की धमकी, मंदिर तोड़ बनाएंगे मस्जिद। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों इस पर आपका क्या विचार है कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और दोस्तों कमेंट्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। मध्य प्रदेश में भी बनेगा अयोध्या जैसा राम मंदिर, कांग्रेस नेता ने किया भूमि पूजन। जी हां, लुपिन ने भारत में लॉन्च की कोरोना की दवा कोवी हाल्ट, जाने कीमत। जी हां दोस्तों, 49 रुपये में आपको मिलेगी ये दवा, इसकी टैबलेट मार्केट में आ गई है, ये पहली कामयाबी है। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के लिए ये लाभदायक होगा।